कैसे हैं भाई सब। और ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे पता है बहुत बुरा इंट्रो था, मैंने कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। और पहला व्लॉग है मेरा, इससे पहले कभी व्लॉगिंग नहीं की। असल में तो मैं यूट्यूब वीडियोस, सिनेमैटिक मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म्स टाइप बनाता हूँ, बट सिंस आज PSL का फाइनल है और हम लोग देखने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो व्लॉग बना के कैसे अपलोड कर देता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी रहे और बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं आ जाए, क्योंकि गैप आएगा क्योंकि CIS के पेपर होने वाले हैं, इस वजह से गैप तो आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बना लूँ, क्योंकि व्लॉगिंग में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी उन वीडियोज़ में लगती है, सिनेमैटिक होती हैं वो, और एटलीस्ट उस टाइप की वीडियोस में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। तो हाँ, ये मेरा पहला व्लॉग। अच्छा, एक चीज़ और, तो मैं व्लॉग बना ही रहा हूँ दो रीजन्स। पहली बात ये कि बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि यार तुम्हारा कंटेंट काफ़ी सीरियस हो जाता है, और मुझे भी पता है वो कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो कुछ डिफरेंट भी करो। तो मैंने सोचा कि व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करता हूँ, लेकिन ये इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे, अगर कोई ओकेजन वगैरह हुई तो ही करूँगा, और इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि महीने में एक एक दो महीने में एक एक वीडियोज़ आ रही हो, क्योंकि व्लॉग्स में इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाते हैं, तो मेरे लिए व्लॉग्स बनाना भी इतना मसला नहीं था। मैंने बोला पीपल इन्जॉय इट, उनको बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्टेंट भी अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना व्लॉगिंग शुरू करते हैं यार। तो कोई टिपिकल व्लॉग की तरह नहीं है, क्योंकि यूजुअली वो सुबह सुबह स्टार्ट होते हैं और मेरी सुबह दोपहर में शुरू होती है, तो आई एम सॉरी, मैं आपको सुबह की क्लिप नहीं दे सकता। मैं उठता ही 1:30-2 बजे हूँ वीकेंड पे, और स्कूल के डेज में मैं व्लॉग बना नहीं सकता क्योंकि बहुत बिजी होता हूँ। तो अब PSL का फाइनल देखने हम जा रहे हैं, गाइड्स इनक्लोजर में बैठेंगे और मैं अभी जा रहा हूँ नहाने। भाई अभी नहा के वापस आया हूँ मैं, और मैं सिर्फ 1 मिनट में तैयार होता हूँ, जस्ट वेट। हाँ भाई, मुझे पता है मैंने सिर्फ जैकेट चेंज की है, अब इस पर मेरे पीछे कमेंट्स पे मत लग जाना, मुझे सिर्फ वो जो इफेक्ट देखा था वो दिखाना था, सॉरी, बस मैं जैकेट चेंज किया पहले से पहने हुए कपड़े। अभी लाही आर्केड की तरफ जा रहे हैं, अभी अपनी गाड़ी में ही जा रहे हैं, वहाँ पर जाके हाइटी करेंगे, पहले थोड़ा एंजॉय वगैरह करेंगे और फिर पूरा ग्रुप मिलके कोचेज में जाएंगे स्टेडियम की तरफ। और मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं इससे पहले कभी स्टेडियम गया नहीं हूँ, और PSL का मैच भी मैंने स्टेडियम में नहीं देखा, डायरेक्ट गया ही नहीं हूँ, तो कहाँ से देखूँ। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम होगा स्टेडियम में, और उधर सुना है कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होंगे ऑब्वियसली हमेशा की तरह, तो मज़ा आएगा। यहाँ से कोचेस निकलेंगी और इनमें से किसी एक कोच में बैठ के हम लोग भी जा रहे होंगे, और इन लोगों ने बोल दिया है कि भाई गोरिल्ला पॉड मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो मुझे अब हाथ इस तरह अनकम्फर्टेबली कटी करना पड़ेगा व्लॉग, क्योंकि गोरिल्ला पॉड से बहुत आसानी होती है यार, आराम से पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि आप में से जिनको लग रहा है कि चश्मा बुरा लग रहा है, मैं उस पर कुछ छिचोरा पेंडू लग रहा हूँ, ये लो यार, और इसकी खिड़कियों पर ये क्रेविंग पीनट्स और ये क्रेविंग ज़ीरा के चढ़े हुए, मतलब खिड़कियाँ नहीं नज़र आएंगी, तो बस से कोई सिनेमैटिक सीक्वेंस एक्सपेक्ट नहीं करना भाई, सॉरी, गाड़ी में दिखा दिया बस बहुत है, फ्री नहीं होता। IT में आए हुए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
कॉफ़ी है और मैंने कॉफ़ी एक दो बार ही पी है और इतनी ज़्यादा चीनी मिला के पी है कि मुझे उसकी कड़वाहट नहीं पता चली, ये पता नहीं कैसे हुआ। और अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम क्योंकि स्टेडियम में कोई वॉशरूम नहीं होगा और 11 बजे तक हम ऐसे ही बैठे रहना होगा। तो हम लोग वॉशरूम की एक मतलब वॉशरूम जा रहे हैं। गाड़ी पार्क हो गई है हमारी, थोड़ी देर में ये जो नीचे बस है इसमें बैठ के हम लोग भी जा रहे होंगे। और अगेन मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैं कभी भी नहीं गया, सो आई एम एक्साइटेड। ये दवाई जैसी है तो कॉफ़ी, भाई कैसे पी लेते हो कॉफ़ी वालों, तो कड़वी है यार इतनी, मतलब मुझे पता है कड़वी होती है लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए, बंदा दवाई खा ले इससे अच्छा। अंदर से बस ऐसी है और हमें बेवकूफ़ बनाया गया है यहाँ पर, ये हाथ हटाएं, ये अंदर से सब नज़र आ रहा है। और मैंने अभी रिलैक्स किया ये, लेकिन फिर भी ये बीच में होल है ऐसे सिनेमैटिक्स की वजह से। नाज़रीन ये लाइन देखने के बाद मुझे लगता है शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। जी खुदा हाफिज़, मैं वापस जा रहा हूँ, शुक्रिया। भाई ये सामने जो ग्रिल से चिपक के खड़े हुए इनकी वजह से हमें कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, जैसे शोर होता है समझ जाते हैं आउट हुआ है बाउंड्री, या फिर जब पेशावर का गाना चलता है तो समझ जाते हैं कि बाउंड्री हुई है क्योंकि वो बैटिंग कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, बहुत नीचे बैठे हुए हैं। ऊपर वाले का सही है, इनको सब नज़र आ रहा है, मैं अभी गया था ऊपर सब साफ नज़र, यहाँ से कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ग्रिल से चिपक के जो खड़े हुए हैं ना उनकी वजह से, क्या करें भाई पाकिस्तानी। अभी तो थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं कोई स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चिप्स वगैरह, पिज़्ज़ा मैक्स एंड स्टफ मैं दिखाता हूँ मैं। और बाकी एक बदकिस्मती ये हुई है कि सबसे नीचे सीट मिली है और वो ग्रिल लगी हुई है सामने, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो पता नहीं क्या होगा बाकी मैच में। तो भाई चेंज ऑफ प्लान्स, हम लोग वापस आ गए और अभी 10:30 हुए हैं। उस वक्त एक इनिंग हम लोग ऑलमोस्ट देख के आए थे, अराउंड 15-16 ओवर था, और वापस इसलिए आए क्योंकि बोर हो गए थे हम लोग, सीधी सी बात है मैं भी बोर हो गया था,
क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, या तो शोर हो रहा था तो पता चल रहा था कि बाउंड्री हुई है या फिर विकेट हुई है, या फिर क्वेटा का गाना चल रहा था, समझ आ रहा था भाई विकेट हुई है। तो मैच का मज़ा नहीं आया। मैं रिकमेंड करूँगा भाई, अगर किसी को जाना है कहीं स्टेडियम वगैरह देखने मैच, तो अगर हल्ला गुल्ला करने जाना है तो बेशक चले जाओ हल्ला गुल्ला। अगर मैच देखना है ना सुकून से तो नहीं जाओ, मज़ा नहीं आएगा, मैच कुछ समझ नहीं आता। और जहाँ से स्कोरबोर्ड दिखता भी है वो वहाँ की सीट्स महंगी होती हैं। एक्चुअली हम लोगों को तो इतना मसला नहीं था, हमारे सामने ही था स्कोरबोर्ड, लेकिन ये कि जिनके जिनके नहीं नज़र आ रहा था उनको स्कोर भी नहीं पता था, सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों के साथ जाने की जगह आती, और अगर जाओ तो एक बंदा दो बाजे लेके जाना, सबसे पीछे बैठना, आगे नहीं बैठना, कुछ नज़र नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ, आगे बैठना और बस बाजे बजाते रहना। मैच वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा, इतना शोर हो रहा होगा, ठीक है, और अगर ऊपर बैठे होगे तो कम से कम नज़र तो आ रहा होगा ना। तो ये था मेरा पहला व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मुझे नहीं पता, वैसे मुझे खुद अभी तक तो पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया। मैं घर पे बैठ के अब देख रहा हूँ मैच, और मुझे कल स्कूल भी जाना है, तो कल स्कूल भी जाना है। अबे यार 10:30 हो रहे हैं, सो जाता हूँ, छोड़ो नींद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज़Bird on a tree.